हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज हम बात करने वाले हैं सह अपराधी के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। तो आज हम वही आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बड़े बदलाव हुए हैं जिसमें, और जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था बिटवीन टू सेक्शंस, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सह अपराधी होते कौन से हैं और किन किन सेक्शंस को हमें ध्यान में रखना होगा, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं धारा 133, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में है, वो ये बात करता था कि सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाच के आधार पर की गई है। अब इसमें जो बीएसए है हमारा, बीएसए का सेक्शन 138 आपके काम के आने वाला है। तो पहले मैं बीएसए में बाद में आऊंगा, पहले मैं ये बताता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट था, कि ऐसा क्या विरोधाभास था जिसकी वजह से हमें यह बदलाव करने की या अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सह अपराधी कौन होता है, तो सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में साथ देता है। हो सकता है कि उसने खुद अपराध नहीं किया हो, जो अपराध किया गया है अपराध करने के पहले, अपराध करने के दौरान या अपराध करने के बाद किसी भी तरीके से अपराधी का साथ दिया है। तो जो व्यक्ति पार्टनर इन क्राइम होता है, जो अपराध करने में सहायता पहुंचाता है, सहायता करता है, वह व्यक्ति क्या होता है, सह अपराधी कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति फरार है तो उसको फरार करने में जो भी लोग मददगार रहे होंगे वो सब अपने आप में क्या हो जाएंगे, उसके सह अपराधी हो जाएंगे। या जिन्होंने अपराध इजी तरीके से किया जाए, आसानी से किया जा सके, इसलिए कोई सहायता की है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सह अपराधी माना जा सकता है। सह अपराधी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो खुद कोई अपराध करे, खुद अपराध नहीं करता लेकिन अपराध में किसी भी तरीके से संलिप्त रहता है, तो वह सह अपराधी माना जा सकता है। चलिए, तो अब मैं अगर बात करूं कि सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने अपराध करने में सहायता पहुंचाई है, तो जो मुख्य अभियुक्त है हमारे, वो अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। मतलब वो आकर के अभियुक्त के खिलाफ एविडेंसेस दे सकता है, साक्ष्य दे सकता है। और क्या ऐसे साक्ष्य के आधार पर आप दोष सिद्धि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या संपोषण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, उस चीज के बारे में धारा 133 आपको ये बताती थी कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष के आधार पर की गई है। तो मतलब धारा 133 जो है वो क्लियरली ये कहती थी कि अगर सह अपराधी ने कोई साक्ष्य दिया है और अगर उसको संपोषण नहीं हो पाया है, वो असंपुष्ट भी रह गई है, तो भी आप कन्विक्शन कर सकते हो, दोष सिद्धि कर सकते हो और उस दोष सिद्धि को वैध माना जाएगा। मतलब कि कोरोबरेशन की जरूरत नहीं होती थी जब धारा 133 होती थी। लेकिन अब यहां पर एक और धारा है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि ये धारा 114, उसका दृष्टांत बी। तो जो दृष्टांत खा है वो आपको कहता है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है। मतलब कि हम किसी भी सह अपराधी पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, हम क्यों अयोग्य मान रहे हैं, क्यों हम योग्य नहीं मानते कि वो विश्वसनीय नहीं है, क्यों ऐसा कहते हैं? देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जब कोर्ट में आकर के कोई गवाही देता है और उस व्यक्ति का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसने कभी कोई जीवन में अपराध नहीं किया है, बहुत अच्छे परिवार से आने वाला व्यक्ति है, अच्छे समाज से आने वाला व्यक्ति है, तो अगर वो कोर्ट में आकर के गवाही देगा तो कोर्ट ये मान सकता है कि यार ये व्यक्ति के पास कोई कारण नहीं है कि ये झूठ बोले, या इसके इसके ऊपर विश्वास ना करने के लिए कोर्ट के पास कोई भी कारण नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद अपराध में शामिल रह चुका है, जो खुद अपराधी रह चुका है, वही व्यक्ति अगर कोर्ट में आकर के गवाही देगा तो कोर्ट की नजरों में वो एक थोड़ा सा कम विश्वसनीय साक्षी रहेगा। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर सह अपराधी है, जो अपराधी शब्द जब उसमें जुड़ गया है, तो हम उसको कम विश्वसनीय मानते हैं। साथ ही साथ जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं होती, तो अगर कोई सह अपराधी कोर्ट में आकर के गवाही देता है, साक्ष्य देता है, तो जो भी उसकी गवाही दी गई है उसको हमें संपोषण की, संपुष्टि की आवश्यकता होती थी। किन की? तात्विक विशिष्टियों में। तात्विक मतलब कि जो मटेरियल पर्टिकुलर्स हैं, ऐसी चीजें जो मेन मेन बातें हैं, उन बातों को हमें कोरोबरेट कराने की जरूरत पड़ती थी, उनके संपोषण की जरूरत होती थी, ताकि उसके द्वारा जो भी कहानी सुनाई गई है, जो भी इंसिडेंट के बारे में
एविडेंसेस दिए गए हैं, हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये आकर के सही एविडेंसेस दे रहा है। तो यहां पर दो तरीके के पर्टिकुलर्स होते हैं, एक मटेरियल पर्टिकुलर्स, एक माइनर पर्टिकुलर्स। तो मटेरियल पर्टिकुलर्स जो मुख्य मुख्य बातें हैं, हमें उनका संपोषण कराने की आवश्यकता होती थी कि उसके द्वारा जो विशिष्टियां दी गई हैं, जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं कि जो भी घटना उसने बताई है कि क्या हुआ था, उनके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों का संपोषण हमें कराना आवश्यक है। अगर उनका संपोषण नहीं हो पा रहा है तो हम किसी भी सह अपराधी को विश्वसनीय नहीं मान सकते, और अकेले सिर्फ और सिर्फ सह अपराधी की गवाही के ऊपर या साक्ष्य के ऊपर कोई भी कन्विक्शन करना या कोई भी दोष सिद्धि करना हम सही नहीं मानते हैं। अब सेक्शन 114 बात करता है उपधारणा के बारे में कि यह उपधारणा की जाएगी। अब यह उपधारणा आई क्यों, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यह उपधारणा क्यों की जाती है कि एक व्यक्ति जो खुद अपराधी रह चुका है उसके बारे में अगर उपधारणा करनी होगी तो यही उपधारणा करेंगे कि यह ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, इसने जो भी कहा है उस बात को किसी और एविडेंसेस के साथ आपको क्या कराना चाहिए, संपोषण करा लेना चाहिए, संपुष्टि करा लेना चाहिए, यह ज्यादा सही है। इसको कहा जाता है प्रज्ञा का नियम। रूल ऑफ प्रूडेंस। अब प्रज्ञा का नियम आपको यही बताता है कि सिर्फ और सिर्फ सह अपराधी के दिए हुए साक्ष्य के आधार पर आपने दोष सिद्धि कर दी है तो ऐसी दोष सिद्धि को हम थोड़ा सा सही नहीं मानते हैं, यह माना जाएगा कि यह सही नहीं है। आपको दूसरे एविडेंसेस को कोरोबरेट कराने के लिए या संपोषण के लिए यूज करना चाहिए। अब यह उपधारणा जो है, ये जो कोर्ट के द्वारा प्रैक्टिस की जा रही थी, उसको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक लॉ का पूरा इन्फोर्समेंट मिल चुका था कि ये भले ही उपधारणा है या ये हम उपधारणा के रूप में इलस्ट्रेशन के रूप में पढ़ते हैं, पर इसको प्रैक्टिस इतना किया जाता है कि हमारे कोर्ट में यही माना जाता था कि सह अपराधी के सिर्फ और सिर्फ गवाही पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता या दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। तो ये जो प्रज्ञा का नियम है इसको लॉ का इन्फोर्समेंट ऑलरेडी मिल चुका था क्योंकि ये प्रैक्टिस में बहुत आता था। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा से रहा है। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते थे तो एग्जाम में तो धारा 133 ये कहती थी कि आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोरोबरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन 114 बी कहता था कि आपको कोरोबरेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और अगर जो प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात करें कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है उसको माना जाता था कि ये प्रिवेल करेगा क्योंकि ये रूल ऑफ प्रूडेंस है और एक तरीके से कानून बन चुका है। अब नए वाले जो बीएसए है यहां पर क्या हुआ कि 138 जो है, जो कि धारा 133 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब इस लड़ाई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा चुका है। अब धारा 138 आपको नए अधिनियम की ये कहती है कि कोई भी अगर सह अपराधी है तो वह सक्षम साक्षी होगा। पहली चीज तो यह सह अपराधी अभी भी उन्होंने माना है कि यह कॉम्पिटेंट विटनेस है, लेकिन जो बदलाव है वो ये है कि क्या अब आपको संपुष्टि की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो कह दिया गया है कि अब आपको संपोषण कराने की आवश्यकता है, संपुष्टि कराना पड़ेगा। और अगर कोई दोष सिद्धि की जाती है तो दोष सिद्धि के लिए संपुष्टि आवश्यक है। तो जो नया नियम है वो सिंपल इस चीज के बारे में बात करता है, साधारणतया वो इस बारे में बात करता है कि अगर सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर आपने कोई भी दोष सिद्धि की है तो वहां पर संपुष्टि होना आवश्यक है। मतलब संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर अगर कोई भी दोष सिद्धि की जाती है तो यह दोष सिद्धि वैध मानी जाएगी। मतलब कि अगर दोष सिद्धि की गई है तो संपुष्टि होना आवश्यक है, और अगर संपुष्ट या संपोषक साक्ष्य के आधार पर आपने कोई भी कन्विक्शन किया है, दोष सिद्धि की गई है, तो उसको वैध माना जाएगा। मतलब जो पहले धारा 133 और धारा 114 का इलस्ट्रेशन बी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, उस कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया गया है, उसको दूर कर दिया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब आपको अगर दोष सिद्धि करनी है तो कोरोबरेशन की जरूरत पड़ेगी, संपोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वैध माना जाएगा। अगर अब असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर कोई भी दोष सिद्धि की जाती है तो उस दोष सिद्धि को वैध नहीं माना जाएगा, उसको अवैध माना जाएगा और
इलीगल माना जाएगा, क्योंकि अब अगर कन्विक्शन करना है या दोषसिद्धि करना है तो आपको आवश्यक है कि आपको संपोषण करवाना ही होगा। तो यहां पर जो इतने सालों से चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस विरोधाभास को दूर कर दिया गया है। अब धारा 138 और नए अधिनियम की धारा 119 का खा इलस्ट्रेशन जो है, ये दोनों एक दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनमें कोई भी विरोधाभास देखने को नहीं मिलता है। दोनों धाराएं यही बात करती है कि जो सह अपराधी है ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, हालांकि वो सक्षम साक्षी होगा, और अगर कन्विक्शन किया जाना है तो कन्विक्शन आपको करना पड़ेगा कोई भी संपुष्टि के आधार पर। तो मटेरियल पर्टिकुलर्स या तात्विक विशिष्टियों को आपको कोरोबरेट कराना होगा, फिर आप कन्विक्शन कर सकते हैं। सो ये पूरा के पूरा जो बदलाव हुआ है या जो कॉन्सेप्ट था अकम्प्लिस का, सह अपराधी का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके से किसी टॉपिक्स में आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि इसी तरीके से हमें और वीडियोस आपके लिए लेकर के आने हैं, तो आप इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपके सजेशंस पर हम बहुत जल्दी कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे। सो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।